गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे जो है टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम एक्स्ट्रा एंट्रीज और यू कैन से एडवांस एंट्रीज इन टैली रिगार्डिंग जीएसटी। जीएसटी के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा एंट्रीज हम लोग देखेंगे। लाइक एक दो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको देना चाहूंगा कि एक दो एंट्री में परचेज और सेल का भी देखूंगा जो लास्ट हम लोग ऑलरेडी लास्ट के सेशन में हमने किए हुए हैं। साथ में हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज होगा, जीएसटी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे, पेमेंट एंट्री कैसे होगा, और साथ में जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 2 को कैसे हम लोग अपलोड कर सकते हैं जीएसटीएन पोर्टल पे। तो ये पार्ट आज हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि क्या हम इसमें देख सकते हैं किस तरीके से हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी एंट्री हमें देखने हैं आज। तो देखते हैं कौन कौन से एंट्रीज हैं हमारे पास आज करने के लिए, सीखने के लिए। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन, सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, परचेज एंड सेल ट्रांजेक्शन। हमें परचेज एंड सेल ट्रांजेक्शन देखना है जीएसटी के ऊपर। नेक्स्ट हम देखेंगे सेल्स ट्रांजेक्शन विथ एडिशनल एक्सपेंसेस, सेल्स ट्रांजेक्शन विथ एडिशनल एक्सपेंसेस। एडिशनल एक्सपेंसेस का मतलब सपोज हम कुछ पैकिंग चार्ज या कैरेज वगैरह हम चार्जेस कर रहे हैं या डिस्काउंट वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका कैसे हम लोग जीएसटी के अंदर एंट्री करेंगे। इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, कोई भी अगर गुड्स उसमें टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो उसका कैसे एंट्री होगा। एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, और पेमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स पेमेंट कैसे करेंगे। तो ये सारे जो एंट्रीज हमने देखा, ये एंट्री हम लोग करेंगे टैली के ऊपर किस तरीके से ये सारी एंट्रीज होगी। और ये एंट्री करने के बाद लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे चालान रिकंसिलेशन और उसके साथ ही जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 2 कैसे अपलोड होता है टैली से जीएसटीएन पोर्टल में, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दीज ऑल आर द टॉपिक्स जो कि आज हम लोग डिस्कस करना है। तो देखते हैं किस तरीके से हम लोग इन सब कामों को टैली के ऊपर करेंगे, किस तरीके से कर सकते हैं। तो आते हैं, एक सिनेरियो बना हुआ, एक बिजनेस स्टोरी है, उसके बेस पे हम लोग आगे ये सारे काम करेंगे। तो बिजनेस स्टोरी यह है कि सुधा ट्रेडर्स है जो कि कर्नाटका का है, वो मोबाइल फोन बेचते हैं, मोबाइल फोन परचेज एंड सेल करते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से वो अपने यहाँ पर काम कर रहे हैं जीएसटी को लेके, किस तरीके से वो बिल बना रहे हैं मोबाइल फोन के ऊपर और किस तरीके से अपने जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 2 को अपलोड कर रहे हैं। तो देखते हैं वन बाय वन कैसे हम करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सुधा ट्रेडर के नाम से एक कंपनी क्रिएट करना होगा और उसका बेसिक कुछ जीएसटी एंड डिटेल है वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे। तो आते हैं हम लोग टैली के ऊपर और हम लोग क्रिएट करते हैं कंपनी। टैली ओपन कर लिए, सबसे पहले हम लोग जाएंगे क्रिएट कंपनी सुधा ट्रेडर। एड्रेस इज इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु। कर्नाटका and country is India, state Karnataka state, ये basic detail हो गया 1/4/2017 save कर लिए tally में। इसके बाद कुछ basic जो statutory information है वो हमें यहाँ पर देना है। तो देखते हैं क्या क्या basic statutory information है। For this we have to go to F11 and statutory and taxation फीचर। इस फीचर में हम आएंगे, जीएसटी को एप्लीकेबल करेंगे और यहाँ पर आके इसको भी जीएसटी एप्लीकेबल हम कर लेंगे। स्टेट है हमारा कर्नाटका। जीएसटी इन डिटेल यहाँ पर हमें डालना है, हम जीएसटी इन डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं एज पर द गिवन जो हमारे पीपीटी में दिया हुआ है। जीएसटी नंबर में सबसे पहले स्टेट कोड, उसके बाद पैन, उसके बाद न्यूमेरिक फील्ड, न्यूमेरिक
न्यूमेरिक फील्ड के बाद जो हमारा पैन का जो कोड होता है लास्ट डिजिट वो हमें डालना है, उसके बाद जीएसटी कंपनी कोड, एप्लीकेबल फॉर्म, एप्लीकेबल फॉर्म 1 जुलाई 2017, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल। अगर हम यहाँ पर सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल को यस करेंगे तो क्या होगा हमारा, हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर एक बार करके देख चुके हैं, यहाँ पर हम लोग करके देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर यस कर देंगे तो पर्टिकुलर सेम रेट जो है वो सारे चीज पे एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट रेट पे काम करना चाहते हैं तो हमें स्टॉक आइटम के ऊपर, स्टॉक ग्रुप के ऊपर हम लोग दे सकते हैं, या अकाउंटिंग ग्रुप के ऊपर हम लोग देख सकते हैं, या लेजर क्रिएशन पे हम लोग दे सकते हैं। तो हम लोग यहीं पर हम लोग दे के देखते हैं कि किस तरीके से, या फिर हम जो लेजर क्रिएट करेंगे उसमें हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ से हमने नो कर दिया, हम लोग लेजर पे एप्लीकेबल करेंगे जीएसटी को और इसको सेव किया। ठीक है, ये काम हमने कर लिया जो हमारा एक्टिवेशन पार्ट था। अब आते हैं हम लोग एक्टिवेशन पार्ट के बाद इसके नेक्स्ट स्टोरी पे आते हैं हम लोग। तो पहला ट्रांजेक्शन है परचेस ट्रांजेक्शन, सुधा ट्रेडर परचेज द फॉलोइंग मोबाइल फ्रॉम लोकल डीलर दिशा ट्रेडर्स। हम क्या करेंगे यहाँ पर, दिशा ट्रेडर्स के नाम से हमें करना क्या होगा, लेजर क्रिएट करना होगा। तो दिशा ट्रेडर के नाम से हम लेजर क्रिएट करेंगे, कैसे करेंगे देख लेते हैं। अकाउंट लेजर क्रिएट दिशा ट्रेडर, सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑब्वियसली सेंडरी क्रेडिटर, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस। लोकल डीलर है तो कर्नाटक ही होगा, प्रोवाइड बैंक की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल को हमें यस करना है, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल को हमें यस करना है, और करने के बाद हमें यहाँ पर रेगुलर डीलर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर दिशा ट्रेडर का जीएसटी नंबर देना है। तो लोकल है तो 29, इसका पैन नंबर, ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। ठीक है, तो पहला काम हमने क्या किया, दिशा ट्रेडर्स के नाम से एक लेजर क्रिएट कर लिया। इसके बाद हमें नेक्स्ट काम करना है, एक बना लेते हैं परचेस, क्योंकि हम परचेस कर रहे हैं, परचेज अकाउंट सेट जीएसटी एप्लीकेबल, इस पे यस करना है, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल क्योंकि हमने लेजर पे करना है काम, तो इस बार हम लेजर को एक्टिवेट करते हैं। डिस्क्रिप्शन आप डाल दो, डिस्क्रिप्शन में हम मोबाइल फोन का काम कर रहे हैं तो मोबाइल में डाल दिया, एचएसएन कोड, एसएससी कोड डाल सकते हैं, एट द रेट, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, तो परचेस टैक्सेबल है तो परचेस टैक्सेबल हम यहाँ से ले सकते हैं। टोटल 18% का रेट हम मान लेते हैं, तो 99 इंटीग्रेटेड 9 सेंट्रल एंड स्टेट पे ये बाइफर्केट हो गया। ठीक है, और गुड्स हम टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रख लेंगे। तो ये हमने परचेस का लेजर क्रिएट कर लिया, परचेस के साथ यहाँ पर हम बनाना क्या है, हमें दो और लेजर क्रिएट करने हैं। एक लेजर क्रिएट होगा सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल टैक्स अंडर ड्यूटीज एंड टैक्स अंडर जीएसटी, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स जीएसटी सेंट्रल टैक्स, और एक क्या बनाना है, स्टेट टैक्स, ये भी ड्यूटीज एंड टैक्स जीएसटी एंड स्टेट टैक्स। तो कौन कौन से लेजर अभी तक हमने बना लिए, एक बार देख लेते हैं जल्दी से। सेंट्रल टैक्स बना लिया, दिशा ट्रेडर्स का लेजर बना लिया, परचेस का लेजर बना लिया, और स्टेट टैक्स। इस बार हमने जीएसटी एप्लीकेबल परचेस के साथ किया और कॉन्फिगर हमने परचेस के साथ किया। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है बनाना है इन्वेंट्री, कैसे इन्वेंट्री क्रिएट करेंगे, इन्वेंट्री इन्फो में जाते हैं और स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं।
क्या स्टॉक आइटम कर लें। तो देखते हैं कौन कौन से स्टॉक आइटम है हमारे पास। अभी पहला स्टॉक आइटम है सैमसंग S8 एंड दूसरा है सोनी Z8। ये दो प्रोडक्ट हैं जो कि हमारा परचेज हमें करना है। तो करते हैं सैमसंग S8 एंड सोनी Z8। यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम यहाँ पर रख बनाते हैं NOS, यूनिट ऑफ मेजरमेंट नंबर। यहाँ पर GST एप्लीकेबल होगा बट यहाँ पर हम यस नहीं करेंगे, इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और सोनी Z8। ठीक है, तो ये दो लेजर भी हमने क्रिएट कर लिया एप्लीकेबल गुड्स। ठीक है, कौन कौन से स्टॉक आइटम बना लिए, एक बनाया सैमसंग S8 और दूसरा बनाया सोनी Z8। इतना काम करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे होगा हमारा परचेस ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले तो हम लोग को डेट चेंज करना होगा, एक साथ 17 ले लिया। ठीक है, परचेस इनवाइस नंबर कुछ भी हम डाल सकते हैं यहाँ पर, जो भी इनवाइस नंबर होगा वो डाल दिया जाएगा। यहाँ पर दीसा ट्रेडर परचेस सैमसंग S8। अब कितना पीस खरीद रहे हैं ये देख लेते हैं। 20 पीस सैमसंग S8 और साथ में हमें ये भी देखना है कि क्या रेट से हम खरीद रहे हैं। देखते हैं किस रेट पे हम खरीद रहे हैं। हम लोग 20,000 एंड 15,000 के रेट से खरीद रहे हैं। तो हम लोग 20,000 रेट यहाँ पर दे सकते हैं और सोनी Z8 ये भी 20 और 15,000 के अकॉर्डिंग दे दें। टोटल 7 लाख का परचेस हो गया। नाउ सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स, देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट हो गया आपका। ठीक है, और इसको अब हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, परचेज इनवॉइस की एंट्री हमने पास कर दिया। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसके बेस पे अगर हम स्टैट्यूट रिपोर्ट देखेंगे तो GST देख सकते हैं, GSTR 2। 2 में अगर हम टेबल वाइज रिपोर्ट देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 63,000 का स्टेट टैक्स और 63,000 का सेंट्रल टैक्स आ गया B2B इनवॉइस के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल परचेस का ट्रांजेक्शन। क्या परचेस हमने किया, हमने परचेस किया सैमसंग S8 20 पीस जिसका कॉस्ट था 20,000 पर पीस और सोनी Z8 जिसका टोटल कॉस्ट था, टोटल पीस हमने 28 खरीदा और टोटल मतलब पर नंबर कितना था उसका 15,000 सोनी Z8 मोबाइल का। तो ये हमने यहाँ पर एंट्री पास कर लिया। अब नेक्स्ट एंट्री पे जाके देखते हैं नेक्स्ट एंट्री हमारा क्या है। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है सेल ट्रांजेक्शन। ये एक नॉर्मल सेल ट्रांजेक्शन है जो कि हम लोग राजीव सप्लायर्स को हम कर रहे हैं। ठीक है, राजीव सप्लायर को हम कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, राजीव सप्लायर को हम सोनी Z8 15 पीस और सैमसंग Z8 सैमसंग S8 15 पीस और सोनी Z8 12 पीस। ठीक है, और रेट क्या है आपका, 28,000 सैमसंग का है और सोनी का क्या है 21,000 है। ठीक, तो कर लेते हैं। वाउचर में गए, सेल के ट्रांजेक्शन में पास किया। ठीक है, 102 डिफरेंट नंबर ले लिया। किसको पास कर रहे हैं ये एंट्री, राजीव सप्लायर, तो राजीव सप्लायर के नाम से यहाँ पर एक लेजर बनेगा। सप्लायर संडी डेटर
यहाँ पर क्या करना होगा, जीएसटी डिटेल को हमें देना है, तो हमने जीएसटी डिटेल को यस किया। रेगुलर यहाँ पर इसका देना होगा जीएसटी नंबर, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया और ठीक है। नाउ सेल्स का लेजर बनाना पड़ेगा, और सेल्स में फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे परचेस में हमने एक्टिवेट किया था, सेम सेल्स पे भी हम एक्टिवेट करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। एप्लीकेबल सेट ऑर्डर जीएसटी डिटेल, हमने इसको यस किया। डिस्क्रिप्शन मोबाइल, यहाँ पर सेल्स टैक्सेबल 18.99 ऑटोमेटिकली आ गया। क्या होगा गुड्स, हम यहाँ से गुड्स ले लिए और इसको एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट होने के बाद सैमसंग एसेट कितने पीस हम सेल कर रहे हैं, 15 पीस। यहाँ पर हमें पहले तो नो कर ले, ठीक है। सैमसंग ऐसे ही रेट हमारा 28,000 एंड सोनी जेड रेट, इसका टोटल क्वांटिटी 12 पीस। ठीक है, ये ठीक है। सेल की एंट्री हम लोग कर रहे थे, सेल 102 राजीव सप्लायर, सेल्स सैमसंग एफसेट कितने पीस है, 15 पीस, 28,000, ठीक है। एंड सोनी जेड 12 पीस, इसका रेट 21,000। नाउ अगेन इस पे सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स ये दोनों कैलकुलेट होगा। सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स दोनों लगा लेंगे एंड इसके बाद इसको हम सेव कर लेंगे। तो देखिए परचेस की ट्रांजेक्शन और सेल का ट्रांजेक्शन जो नॉर्मल था वो हमने यहाँ पर कर डाला। ये तो बेसिक एंट्री हो गया जीएसटी के ऊपर, परचेस सेल जो हमने हम लोग ऑलरेडी पहले के सेशन पे भी देख चुके हैं। अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, जिसमें हम सेल के ऊपर कुछ एडिशनल चार्ज हम लोग एप्लीकेबल करेंगे, सेल्स विथ एडिशनल चार्ज कंसेप्ट। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है स्टोरी पे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास कि सुधा ट्रेडर सोल्ड द फॉलोइंग मोबाइल फोन टू राजीव सप्लायर, ठीक है। फिर से हमने राजीव सप्लायर को सेल किया 3-3 पीसेस, जिसमें पैकिंग चार्जेस हमने 2,000 लगाए हैं और डिस्काउंट इसमें 2% का डिस्काउंट हमने लगाया हुआ है, ठीक है। क्या क्या किया हुआ है, राजीव सप्लायर को 3rd of July को हमने फिर से सेल किया 3 3 पीसेस सैमसंग एंड 3 पीसेस सोनी, ठीक है, सेम रेट पे। और साथ में हमने 2,000 का हमारा क्या लगा हुआ है, 2,000 का हमारा पैकिंग चार्जेस लगा हुआ है और हमारा 2% का डिस्काउंट अलाउ। तो अब आते हैं टैली पे, डायरेक्ट टैली पे हम लोग इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले टैली में हमें करना क्या होगा, हमें लेजर क्रिएट करने होंगे। कौन कौन से लेजर क्रिएट करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अकाउंट लेजर क्रिएट,
पैकिंग चार्जेस का लेजर आपको क्रिएट करना होगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। जीएसटी एप्लीकेबल यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली जीएसटी जो है इस पे कैलकुलेट नहीं होगा, इस पे टोटल वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होता है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर रखा। इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू फॉर कैलकुलेशन, जीएसटी कैलकुलेशन, तो यहाँ पर हमने क्या किया, जीएसटी को ले लिया। इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर जीएसटी, ये हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। अप्रोप्रिएट टू गुड्स सर्विस और बोथ, तो यहाँ पर गुड्स है तो गुड्स ले लिया। बेस्ड ऑन क्वांटिटी, क्वांटिटी पे कैलकुलेट करना है या वैल्यू, तो यहाँ पर वैल्यू पे कैलकुलेट करना है, वैल्यू ले लिया। और पैकिंग चार्जेस का लेजर हमने क्रिएट कर दिया। साथ में हमें एक और लेजर क्रिएट करना है, वो है डिस्काउंट अलाउ। ये अगेन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जीएसटी एप्लीकेबल, तो हम यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। जीएसटी एंड अगेन गुड्स एंड बेस्ड ऑन वैल्यू, तो हमारे पास दो लेजर आ गया। कौन कौन सा लेजर? एक लेजर है हमारा पैकिंग चार्जेस, जिसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर रखे हैं, और इसमें जीएसटी एप्लीकेबल को नॉट एप्लीकेबल करके हम डायरेक्ट उसके नीचे इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर जीएसटी इस ऑप्शन को हमने यस किया, ठीक है। और इसको जीएसटी के अंदर रखा है, साथ में अप्रोप्रिएट टू गुड्स रखा है इसमें, अप्रोप्रिएट टू गुड्स एंड बेस्ड ऑन वैल्यू। इसी तरीके से डिस्काउंट अलाउ का एक लेजर बनाया हमने, और उसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखें, नॉट एप्लीकेबल के जीएसटी एंड इंक्लूड इन एसेबल वैल्यू जीएसटी, अप्रोप्रिएट टू गुड्स डिस्काउंट वैल्यू, ठीक है। ये दो लेजर हमने बना लिया। अब आते हैं हम लोग सेल पे, डेट चेंज कर लेते हैं, 3 तारीख का डेट डाल देते हैं और 103 डाल दिया इसका रेफरेंस, ठीक है। राजीव सप्लाई, सेल्स सैमसंग S8 3 पीस 28,000 एंड सोनी Z8 ये भी 3 पीस। नाउ पैकिंग चार्जेस आपको यहाँ पर ऐड करना होगा 2,000, एडिशनल जो एक्सपेंस हम लोग डालते हैं। एंड डिस्काउंट अलाउ यहाँ पर आपको -2% यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखिए 2,900 यहाँ पर आ गया। और साथ में आपको सेंट्रल टैक्स और साथ में आपको स्टेट टैक्स, ये दोनों आपको यहाँ पर एप्लीकेबल करना पड़ेगा। अब इस ट्रांजेक्शन में क्या है कि सबसे पहले पैकिंग चार्जेस ऐड हुआ है टोटल वैल्यू के ऊपर, मतलब 1,47,000 के ऊपर 2,000 ऐड हुआ है, 1,49,000 का, 1,49,000 का बिल बन गया, उसमें से 2,940 रुपीज माइनस हो गया। उसके बाद जो बैलेंस बचा है उसमें 9% सेंट्रल टैक्स कैलकुलेट हुआ और 9% स्टेट टैक्स। देख लेते हैं इसका टैक्स एनालिसिस। आप वाउचर इनवॉइस में जैसे आप ऑल्ट ए करेंगे तो टैक्स एनालिसिस ओपन होगा, और इसको अगर आप ऑल्ट F1 करेंगे तो डिटेल में आपको रिपोर्ट दिखाएगा। तो टोटल सैमसंग के लिए क्या है, कैसे कैलकुलेट हुआ, 84,000 टोटल वैल्यू, जिसमें से 1,142.86 ऐड हुआ और उसमें से माइनस हुआ 1,680। ये माइनस होने के बाद टोटल जो वैल्यू बन के आ रहा है वो आ रहा है आपका 83,462.86, उसके ऊपर 9% कैलकुलेट हुआ 15,023.32। इस तरीके से सोनी के ऊपर भी सेम ऐसे कैलकुलेशन हुआ और टोटल आपका टैक्स बन गया 26,000 के समथिंग, ठीक है। इसको आप सेव करके रख सकते हो। तो ये हो गया हमारा एडिशनल एक्सपेंसेस के साथ हमारा सेल एंट्री, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट स्टोरी पे, नेक्स्ट एंट्री पे, और देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट एंट्री। सेल ट्रांजेक्शन इंक्लूसिव ऑफ टैक्स,
अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हुए हैं जिसमें टैक्स इंक्लूसिव है तो उसके कैसे हम ट्रांजेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सैमसंग S8 दो पीस बेचा गया है और सोनी Z8 दो पीस बेचा गया है। तो सोनी Z8 और सैमसंग S8 जो बेचा गया है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का क्या रेट हुआ, 33,040 और 24,780। तो आप देखते हैं कि इंक्लूसिव ऑफ रेट देने के बाद हमारा किस तरीके से ये कैलकुलेट होगा। तो देखते हैं, टैली पे पहुंचते हैं और टैली पे देख लेते हैं कैसे होगा। तो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स के लिए सबसे पहले आपको F12 पेस्ट करना है सेल इनवॉइस में, और यहाँ पर स्टैचुरी ऑप्शन में जाके अलाउ एंट्री ऑफ रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। जैसे ही इस ऑप्शन को यस करेंगे और सेव कर देंगे तो देखिए आपके पास क्या आया, रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एक कॉलम आ गया आपके पास। ठीक है, तो अब ये आने के बाद अब हमें करना क्या पड़ेगा, हमने यहाँ पर 103 का एक नया सेल्स लेजर डाल दिया और यहाँ पर देख लेते हैं किसको, कार्तिक मोबाइल। तो कार्तिक मोबाइल हमें बनाना होगा, क्रिएट करना होगा, तो हम यहाँ पर कार्तिक मोबाइल क्रिएट कर लेते हैं जो कि अंडर संजय डेटर्स के अंदर रहेगा। तो ठीक है, इस ऑप्शन को हम यस करेंगे, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल को यस करेंगे रेगुलर। ट्वेंटी 9 हमें 20 डाल दिया है। ठीक है, दो दो पीस हमें बेचना है, क्या करना है, सेल सैमसंग 2 क्वांटिटी। अब यहाँ पे इंक्लूसिव ऑफ रेट पूछा जा रहा है तो 33,040, 33,040। तो हमारा टोटल रेट आप देख सकते हो, टोटल रेट हमारा क्या बन के आ गया, 28,000 का टोटल रेट बन के आया हमारा ऑलरेडी जो था ही। एंड सोनी का हमने ले लिया, इसका भी 2 पीस, इसका हो गया 24,780। तो हमने यहाँ पर डाल दिया 24,780। ठीक है, नाउ अब हमें सेंट्रल टैक्स लगाना होगा और स्टेट टैक्स भी लगाना होगा। तो हमारा टोटल देखिए यहाँ पर सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स किसके ऊपर कैलकुलेट हो रहा है, हमारा रेट जो ओरिजिनल रेट है मतलब विदाउट टैक्स वाले रेट पे हमारा कैलकुलेशन हो रहा है, इंक्लूसिव ऑफ रेट के अंदर नहीं हो रहा। ठीक है, नाउ इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको एक बार टैक्स एनालिसिस हम देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि टोटल किस अमाउंट के ऊपर टैक्स हमारा कैलकुलेट हो रहा है, टैक्सेबल वैल्यू क्या है हमारा। ठीक है, एंड नाउ तो इस तरीके से हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहें तो प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू में क्वांटिटी के साथ जो रेट आया है वो विदाउट टैक्स रेट है, विदाउट टैक्स रेट मीन्स 28,000, 21,000 है और नीचे उसका टैक्स का डिटेल ऐड किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो ये था हमारा इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का कंसेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट सेशन पे, नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारा इंक्लूसिव ऑफ टैक्स के बाद, नेक्स्ट एंट्री हम देख लेते हैं।
एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स, टोटल टैक्स देख लेते हैं, टैक्स की लायबिलिटी कितनी है और किस तरीके से हम इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स कैसे करेंगे हम। आते हैं हम लोग टैली पे, और सबसे पहले हमें अपना रिपोर्ट चेक करना है। रिपोर्ट में ये देखना है कि टोटल टैक्स लायबिलिटी हमारी कितनी बन रही है। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी कैसे देखेंगे, डिस्प्ले स्टैचुरी रिपोर्ट में जाएंगे, जीएसटी रिपोर्ट, जीएसटीआर वन एंड जीएसटीआर टू। जीएसटीआर वन फॉर सेल ट्रांजेक्शन, मीन जीएसटीआर वन अगर आप देखेंगे तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी दिख जाएगी, और जीएसटीआर टू देखेंगे तो आपको इनपुट क्रेडिट आप कितना ले सकते हो, टोटल इनपुट क्रेडिट कितना हो सकता है वो हम देख सकते हैं। तो जीएसटीआर टू में अगर हम देखें तो टोटल इनपुट क्रेडिट कितना है, 63,000 का इनपुट क्रेडिट हम ले सकते हैं जीएसटीआर टू अगर हम देख रहे हैं। तो जीएसटीआर टू में हमें पता चल गया कि 63,000 हम इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं जीएसटीआर टू देखने पर। जीएसटीआर वन पे हम देख सकते हैं कि कितनी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी कितनी है, 82,445, 82,445 ये हमारा टैक्स लायबिलिटी बन रहा है, और 63,000 का जो हमारा बन रहा है वो इनपुट क्रेडिट ले हम सकते हैं अप टू 63,000। इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा देखते हैं। हम सबसे पहले डेट इसका चेंज करते हैं, 31 जुलाई, 31 जुलाई को हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। और एडजस्टमेंट में क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर ऑल्ट जे, जनरल वाउचर में जाएंगे एंड जनरल वाउचर में ऑल्ट जे करेंगे। तो जैसे ऑल्ट जे करें देखिए यहाँ पर जीएसटी आ गया आपके पास, क्या लेना पड़ेगा, डिक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। यहाँ पर डिक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी को आपको डिक्रीज करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपको क्या लेना होगा, एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट, एडिशन में एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट। तो क्या करना होगा यहाँ पर देखिए, सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल टैक्स हम कितना क्रेडिट ले सकते हैं, 63,000 डेबिट, अगेन डेबिट। स्टेट टैक्स ये भी हम 63,000 हम एक कॉमन कर सकते हैं, इसको कॉमन ना करके आप सेपरेट ही कीजिए, सेंट्रल टैक्स को डेबिट किया और सेंट्रल टैक्स को क्रेडिट किया, सेंट्रल टैक्स क्रेडिट, ठीक है। एंड इसी तरीके से स्टेट टैक्स को 63,000 से डेबिट, एंड स्टेट टैक्स को ही आप 63,000 से क्रेडिट करें। ये दो एडजस्टमेंट इनकी हमने पास किया, क्या क्या एंट्री पास किया, सबसे पहले हमने क्या किया, 31 जुलाई सिलेक्ट कर लिए। 31 जुलाई सिलेक्ट करने के बाद ऑल्ट जे, जनरल वाउचर में ऑल्ट जे प्रेस करेंगे, और ऑल्ट जे प्रेस करने के साथ ही जीएसटी, और जीएसटी के बाद डिक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, इस ऑप्शन को आपको लेना होगा। इस ऑप्शन को लेने के बाद एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, और ये ट्रांजेक्शन आपको करना होगा, सेंट्रल टैक्स डेबिट, सेंट्रल टैक्स क्रेडिट, कितना, 63,000, क्योंकि हम इतने इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं और यही चीज हम यहाँ पर एडजस्टमेंट भी कर रहे हैं। नेक्स्ट इसी तरीके से अगेन हमने क्या किया, दूसरा पास किया, स्टेट टैक्स का एडजस्टमेंट किया, स्टेट टैक्स भी हमारा 63,000 था तो हमने उसका भी एंट्री पास कर लिया 63,000 से, ठीक है। अब ये एंट्री पास करने के बाद हम एक नया रिपोर्ट देख सकते हैं, डिस्प्ले स्टैचुरी रिपोर्ट, डीएसटी, जीएसटीआर 3बी जो है हमारा रिटर्न है, इसमें देखिए टोटल सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स कितना इनपुट क्रेडिट हम एलिजिबल आईटीसी आपको इतना दिखा रहा है, आप हम इतना एलिजिबल आईटीसी कर सकते हैं, नेट आईटीसी अवेलेबल भी 60,000 दिखाया कि हमने इतना इनपुट क्रेडिट हम कर सकते हैं और कर लिया हमने इतना। इसके बाद हमारा जो टैक्स बचता है उसका हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है, तो कैसे करेंगे, तो पेमेंट ट्रांजेक्शन करने से पहले हम क्या करेंगे, एक लेजर क्रिएट करेंगे कोटक बैंक का, तो जरूरी नहीं है कोटक बैंक का ही करना पड़े, आप कोई भी बैंक का कर सकते हो, जिस बैंक में आप जमा कर सकते हो, कोटक बैंक,
अमाउंट एक अमाउंट डाल देते हैं 5 लाख का। इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होगा वाउचर में जाएंगे एंड पेमेंट पे जाएंगे। ठीक है, पेमेंट पे गए, यहां पर करेंगे ऑल टैक्सेस, स्टैचुरी पेमेंट, जीएसटी 1st of July से 31st of July, पेमेंट टाइप रेगुलर, क्या करना है रेगुलर लेना है यहां पर, रेगुलर लेने के बाद यहां पर कोटक बैंक एंड नाउ सेंट्रल टैक्स कितना है 19,445.40, स्टेट टैक्स ये भी सेम इतना ही होगा 19,445.40। ठीक है, प्रोवाइड जीएसटी डिटेल आप यहां पर यस कर सकते हैं, और आपको ये बताना होगा ये पेमेंट आपने कैसे किया है, कैश, चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट, एनईएफटी, आरटीजीएस, नेट बैंकिंग कैसे किया। तो जीएसटी में नॉर्मली है कि 10,000 से ऊपर अगर करना है तो आपको ऑनलाइन ही पे करना पड़ेगा, एनईएफटी, आरटीजीएस या कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। एनईएफटी, आरटीजीएस की हमने कोटक बैंक डाल दिया, कोटक बैंक, सीपीआईएन नंबर, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर एक होगा आपको जनरेट होगा जब पेमेंट आप करोगे, तो 1, 2, 3 ये डाल दिया हमने। चलान आइडेंटिफिकेशन सिन नंबर होगा 2, 3, 4 कर दिया हमने। यूटीआर नंबर, जब हम ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो उसके बाद हमें यूटीआर नंबर प्रोवाइड होता है बैंक से, तो यूटीआर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमने डाल दिया। एंड पेमेंट डेट, पेमेंट डेट इज 31st जुलाई। ठीक है, ये हमने ट्रांजेक्शन पेमेंट का कर दिया। फिर से देखते हैं कैसे किया, तो हमने क्या किया, पेमेंट पे गए, 31st of July सेलेक्ट किया और ऑल्ट एस, ऑल्ट एस फॉर स्टैचुरी पेमेंट। ठीक है, कोटक बैंक अकाउंट टाइप में लिया, सेंट्रल टैक्स हमने इसको किया 19,445.40 एंड स्टेट टैक्स भी सेम अमाउंट से हमने इसको डाल दिया। जीएसटी इन डिटेल को हमने आके यस किया, और एनईएफटी, आरटीजीएस, कोटक बैंक, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, सीपीआईएन नंबर 1, 2, 3 कर दिया हमने, चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर, सिन नंबर 2, 3, 4 कर दिया हमने, यूटीआर नंबर हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कर डाला, और पेमेंट डेट पे हमने 31st जुलाई हमने रख दिया। अब इतना काम करने के बाद हमारा क्या होगा, पेमेंट पिन हमने डाल दिया। अब देखिए टैली में आपके पास स्टैचुरी रिपोर्ट के अंदर जीएसटी के अंदर एक ऑप्शन होगा चलान रिकंसिलेशन, हम यहाँ पर चलान रिकंसिलेशन देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा चलान आ गया जिसमें ये सारे ऑप्शन है, इसको हमें रिकंसाइल करना है, तो कैसे करेंगे, ऑल टेस्ट सेट डिटेल्स, यहाँ पर एंट्री को सिलेक्ट करके हमने क्या किया, ऑल टेस्ट किया, 1st जुलाई टू 31st जुलाई, मोड ऑफ पेमेंट एनईएफटी, आरटीजीएस, बैंक नेम कोटक बैंक, सीपीआई नंबर 1, 2, 3, सीन नंबर 2, 3, 4 डाल दिया, यूटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, पेमेंट डेट, पेमेंट डेट क्या है 31st of July। तो ये हमने क्या किया, सारी इंफॉर्मेशन डाल दिया चलान रिकंसिल करने के लिए। ठीक है, ये पूरा आपका चलान आपका सारे इंफॉर्मेशन के साथ मैच कर गया। तो इस तरीके से चलान रिकंसिलेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पेमेंट होने के बाद, टैक्स पेमेंट होने के बाद चलान रिकंसिलेशन ऑप्शन होगा, चलान रिकंसिलेशन पे जाएंगे, यहाँ पर स्पेस बार सिलेक्ट कर सकते हैं एंड ऑल टेस्ट प्रेस करके इसमें इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बारी है हमारा जीएसटीआर 1, 2 एंड 3 भी। तो 1 एंड 2 को किस तरीके से अपलोड करेंगे पोर्टल पे, वो अब हमें यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले हम GSTR1 पे जाते हैं जो कि सेल डिटेल है, और ये GSTR1 कब तक अपलोड करना होता है, अगर मान लो आप 1st जुलाई से 31st जुलाई की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपको 1st जुलाई से 31st जुलाई के अंदर जीएसटी रिपोर्ट जो है वो आपको 10 अगस्त से पहले पहले आपको अपलोड करना होता है जीएसटी
पोर्टल पे कैसे करेंगे अपलोड। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है हमारे पास ई रिटर्न ऑप्शन, कंट्रोल ई, ई रिटर्न, हम ई रिटर्न में जा सकते हैं। यहाँ पर ये विंडो ओपन होकर आ जाएगा, यहाँ पर एक्सपोर्ट लोकेशन, अब ये एक्सपोर्ट हो रहा है फाइल को किस फॉर्मेट पे, एक्सेल फॉर्मेट पे, एक्सेल फॉर्मेट में हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओपन एक्सपोर्टेड फाइल, हमने इस पे यस रखा है, फॉर्म डेट टू डेट नीचे आ ही रहा है आप देख सकते हो, और इसको भी हमने क्या किया, इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर दिया। तो जैसे एक्सेल में ये एक्सपोर्ट होगा, आपके पास तो कुछ इस तरीके से आपके पास फाइल ओपन होके आएगा, जिसमें बी टू बी, बी टू सी एल, बी टू बी, ठीक है, ये सारे रिकॉर्ड आपके पास आएंगे, और आपको इसी फॉर्मेट में इसको अपलोड करना है। इसमें कोई भी आप चेंजेस नहीं कर सकते, बस आप इसको एज इट इज आपको अपलोड करना होता है जीएसटीएन पोर्टल पे। ठीक है, इसमें बहुत सारे नीचे टिप बने हुए हैं सीट्स, इसमें बी टू बी, बी टू बी ए, बी टू सी एल, बी टू सी एल ए, इस तरीके से आपके जो जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे रिलेटेड ट्रांजेक्शन आपको इसमें ही आएगा, और आपका इस तरीके से डिटेल तैयार होगा। ठीक है, ये था हमारा जीएसटीआर वन अपलोड। अब आते हम लोग जीएसटीआर टू पे। जीएसटीआर टू में चले गए, इसको भी हम लोग उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे जीएसटीआर वन को किया हमने। ठीक है, जीएसटीआर टू हमारे पास आ रहा है, जीएसटीआर टू इज परचेज रिलेटेड डिटेल होता है, जिसको भी हम इसको भी हमें क्या करना है, हमें अपलोड करना होता है जीएसटीएन पोर्टल पे। लेकिन ये अभी हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले जीएसटीआर वन अपलोड होता है। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से जीएसटीआर टू को भी हम अपलोड कर सकते हैं। ई रिटर्न ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, हम यहां से इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही ऑप्शन अवेलेबल होगा, आप डायरेक्टली इस पे आप क्लिक करके सेम उसी तरह से एक्सेल फाइल आपका होगा, और एक्सेल फाइल को आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग जीएसटीआर थ्री बी। जीएसटीआर थ्री बी भी हम लोग देख सकते हैं, ये पूरा कंप्यूटेशन है हमारा, जो भी पूरा मंथली हमने सेल परचेज जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं उसका डिटेल आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, ठीक है, 82,450 हमारा आउटवर्ड सप्लाई, 63,000 का हमारा इनवर्ड जो हमने क्रेडिट लिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा हमारा जीएसटीआर थ्री बी रिटर्न समरी हमारा ओपन होके आएगा। ठीक है, तो हम लोग ने आज क्या क्या डिस्कस किया फिर से एक बार देख लेते हैं। हमने सबसे पहले अगर हम लोग परचेस की बात करें, तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल परचेस की एंट्री पास कर लिया, जिसमें सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स कैलकुलेट हमने करके देख लिया। उसके बाद हमने कैलकुलेट किया सेल्स के ट्रांजेक्शन को, जो नॉर्मल सेल ट्रांजेक्शन था उसको हमने देखा। उसके बाद नॉर्मल सेल ट्रांजेक्शन के बाद हमने देखा इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, इंक्लूसिव ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस, अगर हम किसी भी इनवॉइस में और एक्सपेंसेस हम लोग इंक्लूड करते हैं तो उस पर कैसे किस तरीके से कैलकुलेशन होगा, जिसके लिए हमने क्या किया, पैकिंग चार्जेस वगैरह हमने बनाए, पैकिंग चार्जेस, और साथ में हमने बनाए डिस्काउंट अलाउ। ठीक है, और उसके बाद सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स कैलकुलेट हुआ। तो ये डिटेल था हमारा, अगर हम एडिशनल एक्सपेंसेस ऐड करते हैं सेल इनवॉइस के साथ। तो इसी तरीके से सेल की एंट्री पास कर ली इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, ठीक है, अगर टैक्स इंक्लूडेड है, ऐसा अगर बिल है तो उसमें हम किस तरीके से इसमें ट्रांजेक्शन करेंगे। उसके बाद हम लोग देखा एडजस्टमेंट एंट्री,
सेंट्रल टैक्स को सेंट्रल टैक्स के साथ एडजस्टमेंट कर दिया और स्टेट टैक्स को स्टेट टैक्स के साथ एडजस्टमेंट कर दिया, और बैलेंस जो भी हमारा इनपुट क्रेडिट लेना था 19445 बचा था वो हमने जीएसटी पेमेंट से कर डाला। ठीक है, क्लियर हुआ? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आज का जो भी सेशन हमने डिस्कस किया, जो जो टॉपिक हमने डिस्कस किया, बड़ा सिंपल सा था ये टॉपिक। ठीक है, तो आज के लिए इस सेशन में हम लोग इतने रखते हैं, नेक्स्ट सेशन पे फिर से हम आगे और भी कई सारे इंट्रीज को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो।